नागरिक संशोधन विधेयक को लेकर देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष में बहस छिड़ गई है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने नागरिक संशोधन विधेयक को देश के हित में बताया। कुछ दिनों पहले लोकसभा तथा राज्यसभा में नागरिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई और इस समय पूरे देश में नागरिक संशोधन बिल को लेकर कहीं पर समर्थन तो कहीं विरोध दर्शाया जा रहा है और वहीं विपक्षी दलों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है और कुछ सामाजिक संगठन भी इसका निषेध कर रहे हैं। वहीं इस विधेयक के संदर्भ में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह विधेयक देश के हित में है। तो सुनिए इस विधेयक के संबंध में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने क्या कहा। मोदी जी की सरकार के द्वारा जो नागरिकता संशोधन बिल जो पारित किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, अन्य विरोधी पार्टियां लोगों को दिशा भूल कर रही है, गुमराह कर रही है। और मैं इस बिल का स्वागत इसलिए करूंगा कि आज़ादी के बाद में जितने भी वहां पर हिंदू परिवार, सिख परिवार, ईसाई परिवार पाकिस्तान तथा पूर्व पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वहाँ गए थे, वहाँ पर उन पर कुछ अत्याचार हुए, इसका इनकार कोई कर नहीं सकता है। और अत्याचारों की वजह से वहाँ से जितने भी इन परिवारों ने भारत में उन्हें आना पड़ा था, ऐसे परिवार बरसों से बिना नागरिकता के यहाँ जीवन जी रहे थे, शरणार्थी के रूप में, किसी देश के नागरिक नहीं थे। लेकिन एक मानवता के दृष्टिकोण से सोचा गया कि भारत देश से ही विभाजन किया हुआ पाकिस्तान है और तत्कालीन सरकार के निर्णय से विभाजन हुआ था, जिसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं था, इन परिवारों का, इनके पूर्वजों का। और ऐसे परिवारों को नागरिकता देने की जब नौबत आई है देश का आश्रय देने के लिए, तो एक स्वागत होना चाहिए था। इसमें किसी धर्म के लोगों का अधिकार छीना नहीं गया है। रही बात नॉर्थ ईस्ट की, जिसका खुलासा प्रधानमंत्री जी स्वयं किया है, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति है, अनेक भाषाएं हैं, वहाँ के कल्चर को, उनकी भाषा को कोई असर नहीं होगा, ये आश्वस्त करने के बाद जो वहाँ पर जो आगजनी हो रही है, विरोध हो रहा है, इसका अर्थ लोग गलत लगा रहे हैं। वहाँ पे लोग धर्म के नाम से नहीं संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ की भाषा और संस्कृति के बारे में वहाँ के लोग चिंतित हैं, जिसका खुलासा हो रहा है। इसलिए सब शांति से रहेंगे। और जो देश का विभाजन के बाद में जिन परिवारों पे अन्याय हुआ था, उनकी इच्छा के बगैर वहाँ के रहना पड़ा, उनको जबरदस्ती धर्मांतरण करना पड़ा खुद लोगों को, तो ऐसे भारत देश के पूर्व नागरिक थे, पुनः नागरिक बने हैं, और ऐसे निर्णय का देश के करोड़ों लोगों ने स्वागत किया है। ये साहसी निर्णय है, एक हिम्मत करके सरकार ने निर्णय लिया है और सही निर्णय लिया है।